हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे इस स्टोरी की समरी और उसके बाद कुछ वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये स्टोरी। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इस जो स्टोरी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो ये स्टोरी है जो वो एक इवनिंग में शुरू होती है और दूसरे दिन दोपहर में ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका टाइम पीरियड है। तो अब देखते हैं इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। तो ईश्वरन इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, और ईश्वरन है जो वो एक ऐसा लड़का है जो कि एल्बर्ट मिशन कॉलेज में पढ़ता है, और वो एक जो उसका जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम है वो उसे क्लियर करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो हम देखते हैं स्टोरी में, जब स्टोरी शुरू होती है, कि ईश्वरन 9 टाइम्स ये एग्ज़ाम है जो वो दे चुका है और इसमें फेल हो चुका है, और अब ये उसका जो 10वीं बार है जो वो ये एग्ज़ाम सेम एग्ज़ाम दे रहा है, सेम क्लास में है, बट वो उस एग्ज़ाम को पास ना कर पाने की वजह से डर रहा है। और हम देखते हैं कि जब सभी जो लड़के हैं वो अपना रिजल्ट देखने के लिए कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं, उसी वक्त जो ईश्वरन है वो इस चीज़ से भागने के लिए, इस चीज़ को जो है इग्नोर करने के लिए वो एक थिएटर में जा रहा होता है, ताकि वो जो उसके अंदर वो डर है कि इस रिजल्ट के आने के बाद जो उसके जो पेरेंट्स हैं या आस पड़ोस के जो लोग हैं वो उसका मजाक उड़ाएंगे, तो इस फीलिंग से बचने के लिए वो ह्यूमिलेशन की फीलिंग एक तरह कह सकते हैं, उससे बचने के लिए वो हर बार ऐसा ही करता है कि जब भी उसका रिजल्ट आता है वो थिएटर में मूवी देखने के लिए पहुंच जाता है और पूरी इवनिंग है जो वहीं पे स्पेंड करके आता है। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ईश्वरन है, शहर में जो टाउन में सभी लोग हैं जो उसका मजाक उड़ाते हैं, जिस दिन भी जो रिजल्ट है अनाउंस होने वाला होता है, यहाँ तक कि उसके खुद के पेरेंट्स, उसके खुद की जो फैमिली है वो भी उसका जो मजाक बनाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस एग्ज़ाम को है जो वो क्लियर नहीं कर पाएगा, वो फिर से फेल हो जाएगा। और इस बात पे जो ईश्वरन को बहुत ही बुरा बुरा लगता है, बट वो इस चीज़ को शो नहीं करता कि उसे बुरा लग रहा है, और हर बार वो किसी ना किसी तरह से अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें मना लेता है कि उसे इस बार है जो एक मौका और देना चाहिए और वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा। अब जब इस वाले एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स है जो अनाउंस होने वाले थे, तब है जो वो क्या कर रहा है, अभी अपनी वो तैयारी कर रहा है थिएटर में जाने के लिए, ताकि वो थिएटर में जा सके। और जब उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि वो रिजल्ट देखने के लिए क्यों नहीं जा रहा, तो वो बोलता है अपने पेरेंट्स से कि अगर वो पास होगा तो जो बाकी लड़के हैं वो उसके घर पे आके उसे बता देंगे, और उसे विश्वास होता है कि वो पास नहीं हो पाएगा इस बार भी, तो इसलिए वो चला जाता है। तो सबसे पहले वो थिएटर में जाता है, वहाँ पे जो है इस फीलिंग से बचने के लिए कि वो फेल हो जाएगा, जो भी उसके अंदर डर है, जो भी भय है, उसको भगाने की वो कोशिश करता है एक तरह से मूवी देखकर। पर बहुत ही ज़्यादा टाइम तक वो इस चीज़ को है जो वो अवॉइड नहीं कर पाता, और उसके दिल में फिर से वही है जो डर आने लगता है, और उसके दिमाग में वही बातें चलने लग जाती हैं कि वो फिर से जो कहीं फेल ना हो जाए। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब वो जहाँ थिएटर में वो गया है वो मूवी देख रहा है, और वहाँ पे वो बोर हो रहा है बिल्कुल ही, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे। और मूवी ख़त्म होने के बाद है वो एक होटल पे जाता है खाना खाने के लिए।
और वहाँ का जो ऑनर है, जब उसे रिजल्ट के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि इस बार उसने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, मतलब वहाँ पे वो झूठ बोलता है ताकि वो किसी भी तरह की ह्यूमिलेशन से बच सके, ताकि वो जो पर्सन है उसका मजाक है वो ना बना पाए। ठीक, तो दोबारा इसके बाद वो फिर से थिएटर में चला जाता है मूवी देखने के लिए, और इस बार वो देखता है कि बहुत से जो लड़के हैं उसके कॉलेज के वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब जो रिजल्ट है वो अनाउंस है, जो हो चुका है, तो अब वो सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे आए हैं, अपनी जो भी वो पास हुए हैं इसकी वजह से खुशी मना रहे हैं वो उसको एक दूसरे के साथ। तो वो थिएटर में आए हैं, और इसके बाद वही मूवी का फिर से वही बोरिंग वाला सीन है जो चलना शुरू हो जाता है। तो ईश्वरन है जो वहाँ से मूवी को बीच में छोड़कर उठकर चला जाता है, तो आगे जाता है, तो वो अपने ही मन ही मन ये बात सोच लेता है कि वो पास तो नहीं हुआ होगा, तो इसलिए जो उसे और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है, जो उनकी इंसल्ट होती है सोसाइटी में आस पड़ोस के लोगों में, उससे बचने के लिए वो क्या सोच रहा है कि अब उसे है जो इस जिंदगी को मतलब छोड़ देना चाहिए, उसे मर जाना चाहिए। तो सुसाइड वाले जो थॉट्स हैं वो उसके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो लाइफ में है वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर ये वाली जो फीलिंग है वो उसके दिल में इसलिए आ रही है क्योंकि जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मीन्स अगर वो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहा है तो उसे ये बताया जा रहा है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो रहे हैं तो मतलब ज़िंदगी में भी कुछ ना कर पाए, नो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सोसाइटी ने, उसके पेरेंट्स ने उसके दिल में ये जो डर है वो पैदा कर दिया है, अब वो इस डर से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रहा है। तो वो किसी पर्सन से रास्ते में एक पेपर और पेन लेता है, जिससे कि वो सुसाइड नोट है वो लिखता है, एक तरह से बोल सकते हैं वो लेटर लिखता है अपनी फैमिली को, जो वो करने जा रहा है, वो क्यों करने जा रहा है ऐसा। तो अब वो क्या करता है, उस लेटर को लिखकर वो अपनी जो कोट है वो उसकी पॉकेट में डाल लेता है, और खुद को बोलता है कि याद रखे कि जब वो रिवर में नदी में कूदने जा रहा होगा तो अपना जो कोट है वो उतार के बाहर ही रख जाए, ताकि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस बात का जो पता चल सके कि वो क्या कर रहा है और क्यों ऐसा करने जा रहा है। ठीक, तो उस टाइम पे उसके माइंड में एक बात आती है कि उसे जाकर है जो अपना एक बार रिजल्ट है वो चेक करना चाहिए, और वो कॉलेज जाता है, वहाँ पे जाकर जब वो देखता है तो वो इस बात पे बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो इस बार जो पास हो चुका था, इस बार वो फेल नहीं हुआ था, इस बार वो पास हो चुका था, और वो इतना खुश हो जाता है इस बात पे कि अपना जो कंट्रोल ही अपने माइंड में से गवा देता है, और इतनी खुशी में वो इधर उधर घूमता है कि एंड में जाकर उसे बिल्कुल कुछ भी जो पता नहीं चलता है, और वो नदी में डूब जाता है। मतलब यहाँ पे अब वो सुसाइड नहीं करने वाला था, पर क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका माइंड पे खुद पे कोई भी काबू नहीं रहता, इतना वो खुश हो जाता है क्योंकि वो इतने साल से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बाकी सारी बातें जो भी नेगेटिव बातें उसके बारे में चल रही थी उन्हें सुनकर अब वो उसकी खुशी में उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तो वो बिल्कुल ऐसे हो गया था जैसे खुशी में लोग पागल हो जाते हैं इस हिसाब से, और वो नदी में कूद जाता है और उसकी जान चली जाती है। तो जब उसके जो वहाँ लोग होते हैं उन्हें उसकी जो बॉडी मिलती है पानी में से,
तो उसके पेरेंट्स को जब वो तलाश करना उसे शुरू करते हैं, उन्हें उनका उसका जो कोट है वो मिल जाता है, जिसमें उसने एक लेटर लिखा होता है अपनी फैमिली के लिए। और अब उसकी फैमिली को लग रहा है कि वो इसलिए मरा है क्योंकि वो फेल हो चुका है, बट असल में ऐसा नहीं था। अब वो पास हो चुका था बट उसकी जान चली गई। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी जो सोसाइटी है उसकी जो सोच है उसने प्ले किया है उसकी जान जाने में, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा जो कदम है वो नहीं उठा सकता अगर उसे इस तरह से प्रेशराइज ना किया जाए। और दूसरी चीज़ जो हम इस स्टोरी में देखते हैं वो है कि इतनी बार फेल होने के बाद भी जो वो ईश्वरन है वो गिव अप नहीं करता, वो अपनी कोशिश है वो नहीं छोड़ता, और एग्ज़ाम है जो बार बार है वो अटेम्प्ट देता रहता है जब तक कि वो पास नहीं हो जाता। और उसने सोच रखा था, उसने एक अपना एक गोल एक टारगेट अपना सेट किया हुआ था कि वो यूनिवर्सिटी में जाकर रहेगा, और इसी उसकी डिटर्मिनेशन की वजह से वो एग्ज़ाम है जो क्लियर कर लेता है। बट जब तक वो अपने जो माइंड पे जो उसकी मेंटल हेल्थ होती है उस पे वर्क नहीं कर पाता, तो इसलिए वो ज़िंदगी में फेल हो जाता है, एग्ज़ाम में वो भले ही पास हो गया हो। तो इस स्टोरी से एक चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए। लोग कुछ भी बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, बस आप अपना काम करते जाइए। और उसके साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को समझें, अपने माइंड को समझें, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल रखें, और लोगों की जो भी नेगेटिव बातें हैं उन्हें अपने माइंड में ज़्यादा है जो वो बर्डन ना डालने दें। तो यही थी स्टोरी की समरी, आगे हम देखेंगे कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग। डिटैच्ड, हैविंग नो वॉल इन कॉमन विद अनदर बिल्डिंग मीन्स अलग होना, यानी कि कोई ऐसी बिल्डिंग जिसकी किसी दूसरी बिल्डिंग के साथ कोई साझी जो दीवार है वो ना हो और वो एक सेपरेट हो, अलग हो। रेप्यूटेशन, जनरल एस्टिमेशन दैट द पब्लिक हैज़ मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में जो एक पब्लिक की ओपिनियन होती है। क्लस्टर, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, एक जैसी चीज़ों का समूह। ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न मीन्स जिद्दी होना। एक्सपेक्ट, थिंक और बिलीव समथिंग विल हैपन मीन्स ये विश्वास रखना कि कोई चीज़ है वो ज़रूर होगी। दूसरा मीनिंग हम इसका ये देख सकते हैं कि उम्मीद रखना किसी चीज़ से।